अयोध्या जैसा भी आप लोगों ने ट्रेलर देखा, एक अयोध्या में के ऊपर जो कुछ इस देश में हुआ, आज का हमारा जो फिल्म बनाने का मकसद था, हमारा फिल्म बनाने का उद्देश्य है कि हमारा देश का नौजवान जो आज 40 साल का है, ये इंसिडेंट 25 साल पहले हुआ था, उसको नहीं मालूम कि क्या हुआ था। आज हमारा देश का यूथ हो चाहे लोग हों, उन्हें पूरा इतिहास नहीं मालूम कि इसमें क्या हुआ था। हमारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अलावा उसके पीछे क्या क्या हुआ था, क्या उसका इतिहास है, किस तरह से हुआ, और डिमोलिशन के बाद जो उसका आयोग बना, जिसे लिब्रहान कमीशन कहते हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो ये फिल्म लिब्रहान कमीशन पर ही बेस करके बनाई गई है कि किस तरह से देश में क्या क्या घटा और अयोध्या के नाम पर क्या क्या हुआ, किस तरह से जो देश में राजनीति रही या जो भी कुछ रहा, किसने क्या किया, क्या हुआ, ये फिल्म उसको लेकर है। और एक मुसलमान और हिंदू, जो कहा जाता है कि हमारे देश में जो एक भावना होती है कि हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, तो ये एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। और उस समय जो माहौल है, उस समय का जो माहौल चल रहा है देश में, बाबरी मस्जिद के समय का, 1990 का दौर, तो क्या क्या उसके साथ घटा इस माहौल के कारण। और ये बहुत से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम आपस में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, और लेकिन उनके नाम पर उनको आपस में किस तरह से क्या क्या किया गया देश में, उनके साथ कई लोगों के साथ जो हुआ, ये फिल्म उसी को बेस कर कर है। और फिल्म में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि एक सच कहने का प्रयास किया गया है। लेकिन चूँकि हम इस फिल्म को लेकर विभिन्न यहाँ पर सेंसर में गए, तो सेंसर से भी हमें रिजेक्शन मिला, और उसके बाद हम एफकैट में गए। एफकैट ने भी अपने ऑर्डर में माना है कि जो कुछ हमने दिखाया है वो फैक्ट सही हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल हैं। और फैक्ट कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि अभी 20 तारीख को ही फिर से ये केस जो है आपका इन पे चलाने का दोबारा से ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि चूंकि केस सब जुडिस है, तो इसलिए हम रिलीज़ नहीं कर सकते, ये ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये चाहा कि भाई या तो आप इसको डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए या फिल्म बना लीजिए। हमने कहा सर, डॉक्यूमेंट्री बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमने फिल्म एक अच्छे मकसद के लिए बनाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली मई की इसी तारीख में जब भी उनका होगा, तो फिल्म एफकैट जो भी भावनाओं में नहीं बहना चाहता, फिल्म उनको पसंद आई, लेकिन उनका कहना है कि हम भावनाओं में नहीं बह सकते, हम वो काम करेंगे जो कानून के दायरे में है। इनफैक्ट ये विरासत में मिला है नासूर हमको, अगर ये नासूर है तो ये हमको विरासत में मिला है 1500 साल पहले। आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा सोमनाथ के ऊपर 17-18 हमले किए गए, सोमनाथ टेंपल के ऊपर महमूद गजनवी ने। ये तब से चल रहा है, तब से चल रहा है, और वो पाइलअप होते 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 इट हैज़ कम टू द माइंड सेट इन 1992। उसके बाद बाबर आए, बाबर के बाद औरंगज़ेब आए। हमको देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं, औरंगज़ेब नाम की सड़क आज तक उनके मोमेंटो में रखी गई है, और ऐसे तुगलक हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इन सब के नाम की सड़कें निकाल देनी चाहिए। ये बड़े इतिहास में उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है हिंदुस्तान के साथ में, किसी एक कम्युनिटी के साथ में नहीं, हिंदुस्तान के साथ में उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है। और वो बदतमीज़ियाँ पाइलअप होते होते 1992 में आ गई। 1992 में ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है, ये जिस तरह से ये विवाद बना है, पहले का आता हुआ यहाँ तक आया, उसके बाद पाइलअप हुआ है, बड़ा होता गया है, नासूर बनता गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अ यंग मैन कॉल्ड मिस्टर सुनील सिंह हैड द ब्लडी वेल गट्स टू मेक ए फिल्म आउट ऑफ दैट। फिल्म में सच्चाई है। लिब्रहान कमीशन 1200 पेज का, सुप्रीम कोर्ट द गॉड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गॉड, उनकी तरफ से लिब्रहान कमीशन जो है बनाया गया है। ये लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, सुप्रीम कोर्ट इज आर गॉड, और ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है, उसको किसी एक दिल्ली के एक प्रसिद्ध
क्रिएटिव जिसका नाम सुनील सिंह है, उसने अपने पूरे अपने रिसोर्सेज को एनकैश करके जिस हिसाब से फिल्म बनाई है, हम सब उनके साथ हैं। हमारा जो क्रिएटिव किंग है इन दिस मिस्टर पार्थ घोष, वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम ऑल्सो। जिस हिसाब से उन्होंने इस फिल्म को, उन्होंने इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के गए हैं, तो सब एक हर एक कम्युनिटी वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और ये फिल्म की फॉर्मेशन हुई है। और ये फिल्म की फॉर्मेशन में इतनी खूबसूरती है, इतनी सुगंध है, आई डोंट नो, अगर वो कहते हैं कि ये सच है तो फिर सच को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहिए। वैसे तो काफ़ी कुछ सुनील जी ने और अरुण जी ने बहुत कुछ कह दिया फिल्म के बारे में। मेरा कहना सर ये कि जब इस फिल्म का ऑफर मेरे पास आया और जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो एक इच्छा और जागी अंदर से कि मतलब हाँ वाकई यार, ये जो कुछ भी हुआ था अयोध्या और राम मंदिर को लेकर के, इसके बारे में बहुत से तथ्य जो मुझे नहीं मालूम थे, बहुत सी छुपी हुई बातें थी जो मुझे नहीं मालूम थी, कुछ अच्छी बातें नहीं मालूम थी, कुछ ख़राब बातें नहीं मालूम थी। और जब मुझे भूषण जी का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे एक फिल्म हम बना रहे हैं और जिसमें पार्थ घोष दादा का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें इस फिल्म को बनाने में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर जब इन्होंने मुझे मेरा करेक्टर सुनाया तो उस करेक्टर को जानने के बाद मुझे और भी खुशी हुई कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज़ है। आई एम प्लेइंग एक मुसलमान का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर, हीरोइन का फादर, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को नहीं मानता है, वो इंसानियत को मानता है कि इंसानियत क्या होती है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ मजहब से ज़्यादा ऊपर है इंसान। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई थी और वाकई जो तथ्य है सुनील जी ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, मैं तहे दिल से चाहूँगा कि वो सब कुछ हमारी आज की जनरेशन, हमारी जनता के सामने आए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम वाकई कि उस वक्त क्या क्या सच्चाइयाँ थीं, क्या लोगों पर बीती, किस तरह से लोगों ने उस माहौल को जिया। तो इस फिल्म के बहाने मुझे लगता है कि शायद बहुत सी चीज़ें हमारी जनता, हमारी नई जनरेशन खास तौर से उसके सामने आएगा। मेरा इतना ही कहना।